नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र सिंह जी के पास। आपके पास पंचायत जैसा उत्तर प्रदेश का भारी भरकम विभाग है, काफी जिम्मेदारियां हैं। रीवा प्रवास पर मौजूद हैं, डीपी सिंह जी के घर पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, मध्य प्रदेश की जमीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस उद्देश्य से, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और आप कोरोना से के दौर से भी गुजर चुके हैं, आप खुद कोरोना संक्रमित रहे हैं, तो ऐसे में आज के परिवेश में आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? मुझे रिमाने का अवसर प्राप्त हुआ, डीपी सिंह साहब को मेरी बड़ी भांजी ब्याही है और मेरी बहन रीवा में ब्याही थी, जो दुनिया में नहीं है। मेरे भनोई साहब से बहुत दिन हो गया था, अपने बच्चों से नहीं मिले थे, अपनी भांजियों से, अपनी भांजियों से। मेरी दो भांजी यहाँ हैं, मेरे दो भांजी यहाँ हैं और इदामा साहब का घर और मैहर हमें माँ का दर्शन करने जाना था। कोरोना से निजात पाने की मेहरबानी हुई कुदरत की, मन में था कि बच्चों से बहुत दिन से नहीं मिले हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जो भी विकास के काम हम करते हैं, और मैं ग्राम विकास मंत्री के रूप में ये कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश को इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्य की दृष्टि से उसकी समीक्षा की और उसमें उत्तर प्रदेश को कई दर्जन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम आया उत्तर प्रदेश। हमने वाटर रिचार्ज के काम को बेहतर किया है, व्यक्तिगत लाभ के करीब 200-300 काम किए, कैटल शेड है, खेत को ठीक करना, खेत को समतल करना, मेड़बंदी करना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना, तालाब को बढ़िया शेव करना, उसे टहलने घूमने लायक बनाना, खेल का मैदान बनाना, शो पिट बनाना, जिससे कि हमारा जो वेस्ट वाटर हैंडपम्प के अगल बगल आप देखते हैं पानी इकट्ठा होता है, उससे गंदगी होती है, उससे हमने एक ड्रेन बनाया और ड्रेन को ले जा कनेक्ट किया उस शो पिट को, तो सारा पानी उसमें जाता है। जब पानी जाता है हमारा वाटर भी, वाटर लेवल भी बढ़ता है, हैंडपम्प का पानी भी हमें आसानी से मिलता है। तो हम इससे सहमत नहीं हैं कि इंस्टीट्यूशन में कहीं कोई खामी, जब तक दोनों का साथ नहीं मिलता, गवर्नमेंट का काम करने का जो जज्बा है, तरीका है, उसमें पूरी निष्ठा हो, पूरी मजबूती हो, और जिसके लिए हम कर रहे हैं उसका पूरा सहयोग हो, अगर दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से जो अपेक्षित है परिणाम मिलता है। इतने बड़े काम में कहीं कहीं लीकेज भी है, इस बात से भी सहमत है। गवर्नमेंट का काम यही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ कहीं लीकेज मिलता है हम उसे कैसे सील करें, कैसे उसको रोकें, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसको मैं कोशिश करूँगा कि मध्य प्रदेश में रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो गतिविधियाँ हैं कितने में पैरिटी है और कितने में भिन्नता है, अगर भिन्नता है तो गुणवत्ता की दृष्टि से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ले जाकर बेहतर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी समझ में आएगी जब हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की उन कार्यों से हम एक्सचेंज करेंगे अपने व्यूज से। पहले की हुकूमत में मुझे भोपाल आने का सौभाग्य मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पूज्य पिताजी का देहावसान हुआ था, मैं उनके गांव जा रहा था। तब के माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, तो कुछ चीज़ें उन्होंने हमको बताई थी कि MDRDA में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कैसे वो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने उसको कंपेयर भी किया, कंपेयर किया तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया।
यही सिलसिला है। बाकी मनरेगा हमारे पास है, मनरेगा में सर मैं टोकूंगा आपको सर, खास तौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक सवाल बनता है। काफी अरसे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर से जो एमपी यूपी का बॉर्डर है जिसको चाकघाट बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ जा रहा है, उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ मध्य प्रदेश नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश की गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश। आपने हमारे मन का सवाल किया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भी हमारी सरकार है। आपने जो बात बताई मुझे अवसर शायद मिलेगा आदरणीय मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश मिलने का, यहाँ से लौट के जाऊँगा तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा, परिवहन मंत्री जी मेरे साथी मंत्री उनसे बात करूँगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तुम्हारे जिम्मेदार अवसर मैं उनको ब्रीफ करूँगा और उनसे अपेक्षा भी करूँगा इस दिशा में ठोस कार्रवाई करूँगा। और दोनों मुख्यमंत्रियों को संज्ञान में लाते हुए पब्लिक कन्वीनियंस बेहतर हो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश के पास भी गाड़ियों की कमी नहीं है और UPSRTC के पास भी गाड़ियों की कमी नहीं है, तो पब्लिक सर्विस बेटर हो इलाहाबाद से ही नहीं उत्तर प्रदेश के चबाल से, उत्तर प्रदेश की जो मेट्रो सिटी है उससे मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अलावा यहाँ पर धार्मिक स्थल बहुत हैं, दर्शनीय स्थल बहुत हैं, टूरिस्ट प्लेस बहुत हैं, उनसे उनके बीच यूपी और एमपी का ट्रांसपोर्ट इनिशिएट हो बेहतर हो इसके लिए प्रयास। बिना मंत्री राजेंद्र सिंह जी जिनका साफ तौर से कहना था योजनाएं हम बनाते हैं जनता के लिए, दोनों का अगर सहयोग हो तो निश्चित रूप से योजनाएं कागज से निकलकर धरातल पर आती हैं। वहीं एक बड़ी समस्या की ओर जब उनका ध्यान आकर्षित कराया गया तो उन्होंने कहा हम इस मामले में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में ये बात लाएंगे और कोशिश करेंगे निकट भविष्य में बसों का आने जाने का सिलसिला एक बार फिर से प्रारंभ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।